अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने पर गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासत में तपिश बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवाई ने एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश में एक नए सियासी बहस को जन्म दे दिया। बीजेपी और कांग्रेस भले ही चुप हो लेकिन दलित राजनीतिक चेहरे खुलकर विरोध में उतर गए। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ही बेचैन नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरपीआई के प्रमुख रामदास भी परेशान नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। एससी/एसटी आरक्षण के वर्ग में कोटा बनाने का फैसला आने के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती एक्टिव है और लगातार मोर्चा खोल रखा है। मायावती ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा अनुसूचित और असंवैधानिक है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लोगों से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने की अपील की। वही केंद्रीय मंत्री रामदास ने कहा कि रिपब्लिक पार्टी एससी/एसटी में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का बड़ा विरोध करती। तो चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एससी समुदाय में बंटवारा डालने वाला बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती से लेकर चिराग पासवान और रामदास की सियासी बेचैनी क्या है। दरअसल केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि राज्य में आरक्षण का अलग कोटा है। रिपोर्ट में कहा गया कि आरक्षण का लाभ लगातार वही ले रहे हैं जो ऊपर उठ चुके हैं और जो नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं। ऐसे में दलित और आदिवासी समुदाय की तमाम जातियों को अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निचले स्तर तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के मकसद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भीतर कोटा बनाने का फैसला राज्य सरकार को दिया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।